दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह जी के इस धरती पर दूसरे आगमन के दिन निकट आ रहे हैं, वैसे वैसे सुसमाचार तेज़ी के साथ सारी दुनिया में फैल रहा है और हमारे देश भारत में भी पिछले कुछ सालों में सुसमाचार प्रचार में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, जिनमें से पंजाब राज्य में परमेश्वर के अनुग्रह से सबसे ज़्यादा सुसमाचार प्रचार किया गया है और सुसमाचार प्रचार में पंजाब की कई बड़ी मिनिस्ट्रीज़ का अहम योगदान रहा है, जिनमें से प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री भी एक है। परमेश्वर ने अपने दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के द्वारा करोड़ों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाया है और दिन ब दिन प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की हो रही ग्रोथ और लगातार दुनिया भर में तेज़ी के साथ जगह जगह खुल रही चर्च ब्रांचेस सुसमाचार को फैलाने में काफ़ी मददगार साबित हो रही हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की साउथ अफ्रीका में ओपन हुई नई चर्च ब्रांच की गुड न्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी जानकारी पिछले कल मीडिया टीम की तरफ से एक पोस्टर और वहां की कुछ तस्वीरों को शेयर करके दी गई। दरअसल दोस्तों प्रोफेट जी खुद वहाँ पर चर्च ब्रांच की ओपनिंग करने के लिए गए हुए थे, जिसकी तस्वीरें भी हमें देखने को मिली और इन तस्वीरों में कैसे साउथ अफ्रीका के विश्वासी इकट्ठा हुए हैं इस चर्च ब्रांच में ओपनिंग वाले दिन इस बंदगी को अटेंड करने के लिए, ये भी हमें देखने को मिला। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के मसीही इतिहास में प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री एकमात्र ऐसी मिनिस्ट्री बन गई है जिसने साउथ अफ्रीका में पहली चर्च ब्रांच ओपन की है और यह सब परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।